नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज और मैं हूँ यति आपके साथ। हम पहुँच चुके हैं सोनपुर मेला। जी हाँ, वही सोनपुर मेला जो यूँ तो बहुत सी चीज़ों के लिए फेमस है, बहुत सी चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे हरियानाथ बाबा का मंदिर है और तमाम ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं प्रदर्शनी के माध्यम से जो आम दिनों में नहीं देखने को मिलता है। और ये सोनपुर मेला एक और चीज़ के वजह से फेमस है, वो है यहाँ का थिएटर। जी हाँ, वो थिएटर जहाँ पे डांस होता है, लोग आते हैं, इंजॉय करते हैं, शाम में होता है। और हम अभी हैं गुलाब विकास थिएटर में। यहाँ पे कुछ यहाँ पे हैं लड़कियाँ हैं जिनसे हम बात करेंगे और थिएटर के अंदर की जो ज़िंदगी होती है उसके बारे में हम उनसे बात करेंगे, क्योंकि ये लोग यहाँ पे एक महीने तक रहती हैं। तो जाहिर सी बात है, लड़कियाँ हैं, दिक्कत तो होगी। तो बात करते हैं और देखते हैं इनसे कि क्या कुछ है इनके भी मन में जो ये हमें बताना चाहती हैं। आपका नाम क्या हुआ दीदी? ललिता। ललिता नाम हुआ आपका। तो आप कहाँ से हैं? अलवर से। अलवर, राजस्थान, अलवर से। तो आप यहाँ पे मतलब कब से आई हुई हैं, कितने तारीख से आई हुई हैं? 8 तारीख से। आपका नाम क्या हुआ दीदी? लाडो। लाडो, तो मतलब आप लोग यहाँ पे एक महीने रहती हैं, पूरा एक महीने आप लोग रहती हैं। तो आप लोगों को दिक्कतें तो बहुत आती होंगी। मतलब हम जानना चाहते हैं कि लड़की हैं आप लोग, तो क्या क्या दिक्कतें आपको यहाँ पे देखने को मिलती, क्योंकि सब सुविधाएं तो यहाँ पे नहीं मिलती हैं। तो वही हम जानना चाहते हैं। खाने के लिए भी नहीं मिलती, खाना भी ढंग से नहीं मिलता। हम तो बाहर से अपना हाथ से बनाते हैं, बाहर नहाते हैं। आप लोग मतलब नहाने की यहाँ पे सुविधा नहीं है? तो यहाँ का जो थिएटर का जो मालिक होता है वो यहाँ पे अरेंजमेंट नहीं करवाते? नहीं, वो तो करवाते, लड़कियाँ बहुत रहती हैं, गंदगी बहुत करती हैं, इसलिए हम बाहर ही जाते हैं। लड़कियों की वजह से थोड़ी दिक्कत, मतलब आप लोग यहाँ नहीं कर पाती हैं? गेट नहीं है ना, उसमें नहाने में गेट नहीं है। गेट वेट नहीं है, मतलब वो चीज़ की थोड़ी दिक्कतें हैं, मतलब गेट वेट का दिक्कत आता है आप लोगों को? कोई भी आ जाता है, कोई चला जाता है। लड़कियों की भी प्रॉब्लम होती है, तो उन सब चीज़ों में भी तो आप लोगों को बहुत दिक्कत होती होगी। खाने वाने में मतलब यहाँ पे खाने वाने का क्या है, कैसे होता है? सब मिलता है, लेकिन हम अपना हाथ से बनाते हैं। खाना यहाँ पे सब मिलता है, मतलब वेज और नॉन वेज ये सारी चीज़ें यहाँ पे देते हैं ये लोग, बट आप लोग खुद से बनाती हैं। तो इसका व्यवस्था आप लोग सब कुछ लेकर आती हैं या फिर यहाँ के आप लोग सब मिलता है? मालिक देता है, हमारे मालिक देते हैं, मतलब सुविधा वो करवाते हैं। अगर आप लोग अगर अपने मन से अगर नहीं हो पाता तो वो करवाते हैं। आपका क्या नाम हुआ? मासूम नाम है। हाँ। तो आप मतलब कब से इस फील्ड में है, मतलब कितने टाइम से आप कर रही हैं? एक साल से कर रही हूँ। और आप? मैं 10 साल हो गई। 10 साल हो गए आपको, तब तो आपने काफी कुछ देख लिया होगा, बहुत दिक्कतें हो रही होंगी आपको। हमें तो सही लगा, हम हर साल आते हैं। आप हर साल आती हैं, आपको सही लगता है? मतलब ऐसा नहीं होता कि कभी दिमाग में आता है कि क्यों कर रहे हैं ऐसा कुछ? क्या करें, मजबूरी, गरीब आदमी है, इस काम करते हैं। मतलब ये आपका फैमिली इसमें सपोर्टिव है? सपोर्ट है आपके परिवार? पहले से ही हमारे पहले से ही आते हैं, मतलब हमारे सब बड़ी बूढ़ी गाना भी गाती हैं। आपके घर में भी लोग गाना गाते हैं? अच्छा, तो आपका क्या नाम हुआ? रिया। तो आप भी इन्हीं लोगों के साथ हैं? आप भी इन्हीं के साथ आई हैं? हाँ, मैं नंद है। आपकी ननद है ये? अच्छा, आपकी ननद है। अच्छा, आप लोग सारे ये बहन है आपकी? बहुत अच्छी बात है, देख सकते हैं आप, ये इनकी ननद है और ये इनकी भाभी है। ये लोग सारे पूरे भांजी हैं, देख सकते हैं आप, ये पूरा परिवार जो है वो यहाँ पे मौजूद है। लड़कियाँ हैं तो दिक्कत तो होगी, जाहिर सी बात है, पर ये कह सकते हैं आप लोग कि इनकी मजबूरी कह सकते हैं जिस तरीके से ये लोग करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये छोटी बच्ची भी हमें यहाँ पे देखने को मिली है, तो हम जानना चाहेंगे इनके बारे में, ये काफ़ी क्यूट लग रही है देखने में। ये किन की बच्ची है, हम ये जानना चाहते हैं? ये मेरी ननद की लड़की है। आपकी ननद की लड़की है, तो उन्होंने इनको आने दिया यहाँ पे? हाँ, इनके साथ लेकर आए, कोई रखने वाला नहीं था। मम्मी साथ में आई है? हाँ जी, मम्मी। और इनके पापा? पापा नहीं आते, घर पे हैं। तो आप भी कुछ बोलना चाहती हैं? आप देख रहे हैं ये किस तरीके से ये बच्ची जो है, ये माइक बहुत इनको प्यारा लग रहा है, ये माइक। कुछ बोलना चाहती हैं आप? बोलने की कोशिश कर रही हैं, बच्ची हैं, बोल नहीं पाएंगी ये। तो हम आपको इसलिए ये वीडियो दिखाना चाहते हैं, इसलिए हम इन लोगों से हमने बात किया है, क्योंकि लोग आते हैं थिएटर इंजॉय करने के लिए, पर कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं कि इनके अंदर की भी ज़िंदगी जो है वो काफ़ी कठिन होती है। ऐसा नहीं है कि लोग बाहर की दुनिया में यही सोचते हैं कि जो थिएटर में डांसर्स होती हैं वो मतलब शौक़ से करती हैं, नहीं, शौक़ से नहीं करती हैं, मजबूरी भी होती है। इन्होंने बताया है कि इनकी मजबूरी है जिस वजह से ये करी, और इनकी पूरा परिवार। हमने खास करके आपको ये वीडियो इसीलिए दिखाना समझा क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई अकेले आके कर रहा है, देख सकते हैं आप, ये पूरा परिवार है इनको। एक सवाल और जो है मेरे मन में आ रहा है, हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे इनसे कि इस फील्ड में आने से पहले ऐसा होता है दिमाग में कहीं ना कहीं लगता है कि हम ये क्या करने जा रहे हैं क्या नहीं, उसको लेकर के हम इनसे बात करेंगे कि आप अगर इस फील्ड में जब आ रही थी, आप तो 10 साल से आ रही हैं, तो ऐसा नहीं हुआ 10 साल पहले आपके दिमाग में आया, आपने जब इस फील्ड में कदम रखा तो आपको दिमाग में नहीं आया कि नहीं ये बहुत अलग दुनिया है, इसमें नहीं करते हैं? शादी इसी साल में,
इसी हाल में जी यही काम करना मिला मेरे को, पहले नहीं करती मतलब थी। आपके शादी के बाद आपको ये करवाया गया, मतलब आपके पति वो आपने आपके पति आपके ससुराल वालों ने कहा कि तो सारा घर को मैं यही काम करता, डांस सिखाना आना सब गाता, डांस सिखाना वो खाना। अच्छा तो मतलब आप करने भागने सब करते हैं हम। अच्छा मतलब आपके पूरे घर में आपके ससुराल सिंगर भी हमारे तो बहुत सारे आपके घर में गाना भी गाते लोग, तो आप लोग राजस्थानी गाते होंगे ज्यादातर? हाँ ज्यादा राजस्थान। तो देखा आपने ये जो लड़कियां थी इनके काम का भी समय हो गया है क्योंकि थिएटर 6 बजे से स्टार्ट हो जाता है जैसे हम लोग जानते हैं, तो उसको लेकर के ये लोग तैयार होने के लिए चली गई हैं। तो देखा आपने हमने बात किया, इन्होंने बताया किस तरीके से अंदर की ज़िंदगी होती है। फ़िलहाल ये लोग जा चुके हैं तैयार होने के लिए क्योंकि थिएटर का टाइम हो गया है, 6 बजे से शुरू होता है तो तैयार होने के लिए भी टाइम लगता है। यहाँ पे जो व्यवस्थापक है इस थिएटर के वो आए हैं, हम इनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि किस तरीके से सुविधा है और क्या क्या यहाँ पे व्यवस्था जो है इन्होंने करवाई है। पहले तो अंकल हमारे चैनल पे आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है बिहारी न्यूज़ में जी। तो हम जानना चाहेंगे कि थिएटर का टाइमिंग किस तरीके से है और किस तरीके से शो चलता है यहाँ पे? जैसे यहाँ पर 7 बजे से शो शुरू होता है और शो का टाइम 7 बजे है। और क्या टाइमिंग शो का टाइमिंग? और हम ये जानना चाहते हैं कि थिएटर जो आप करवाते हैं तो टिकट का कैसे कैसे है, और ये आप हम कैमरे से हम कैमरे दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से बैरिकेटिंग लगाई गई है, 1, 2, 3, 4 हिस्से में बैरिकेटिंग लगाया गया है। तो हम इसके बारे में जानना ज़रूर चाहेंगे कि ये किस तरीके से, क्योंकि आप देख सकते हैं बैरिकेटिंग है, अंदर में कुर्सियाँ रखी हुई हैं, कुछ स्टेज के पास हैं, कुछ काफ़ी पीछे हैं। तो हम इसके बारे में जानना चाहेंगे कि ये किस तरीके से व्यवस्था कराई गई है। VVIP हुआ, VVIP है ये। हाँ, और इसके बाद हुआ VIP, उसके बाद हुआ सुपर स्पेशल, उसके बाद हुआ स्पेशल। तो इनका रेट क्या है, मतलब ये सीट का पर आदमी? इसका रेट है 1200, अगले का है 600, सुपर का है 300 और स्पेशल का है 100। मतलब वो जो सबसे पीछे है वो स्पेशल में आता है वो, और ये VVIP सीट है। तो ऐसा होता है कि यहाँ पे लोग पहले से बुकिंग करा देते हैं ये फ्रंट सीट के लिए? नहीं, मेला में ऐसा कुछ तो नहीं। ऐसा नहीं होता है, मतलब जो लोग आते हैं वो वहीं पे टिकट लेते हैं और फिर अंदर आते हैं। तो टिकट जो बिकता है उसकी टाइमिंग कितने बजे से शुरू होती है? 6 बजे से शुरू हो जाती है और 7 बजे, 1 घंटे के अंदर ये पूरा टिकट का सिलसिला जो है वो खत्म हो जाता है? नहीं नहीं नहीं, टिकट कटता रहता है रात में 1 बजे 2 बजे जब तक कटे। कभी ऐसा हुआ है कि जिनको ये फ्रंट सीट पे देखना हो उनको सीट ना मिली हो और फिर उनको दूसरे जगह वो करवाया? नहीं नहीं, ऐसा तो खैर इस साल कोई खास ऐसा भीड़ भाड़ नहीं हुआ। कोरोना की वजह से भी तो कुछ ज़्यादा ही दिक्कत हुई होगी, और 2 साल बाद जो लगा है इसलिए अब अगले साल से हो सकता है कि भी आती है, वो भी बैठती है। बस वही जाना चाहते हैं, लड़की भी आती है वो भी। हम एक सवाल मेरे मन में जो है वो बहुत देर से हिट कर रहा है, सुना है हमने कि बस लड़कों को ही आने दिया जाता है, क्या इस तरीके का कोई है नियम? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, लड़की लोग भी आती है, लड़कियां भी आती हैं। हाँ, वो परिवार के साथ लोग आता है, बैठ के देखता है जितना देर मन किया फिर अपना चला जाता है। परिवार भी आते हैं यहाँ पे देखने के लिए आप करें, तो ऐसा नहीं होता कि परिवार आता है तो उनमें कुछ ऐसा दिक्कत हो जाए? आप लोग यहाँ पे सेफ्टी को लेकर के क्या क्या इंतजाम रखते हैं, क्योंकि लड़के हैं लड़कियाँ डांस करती हैं? प्रशासन की तरफ से यहाँ पूरी व्यवस्था है, व्यवस्था रहती है, कोई तरह का कहीं से कोई? प्रशासन कोऑपरेटिव है यहाँ? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा, मतलब वो साथ देती है इसको लेकर के? हाँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है लड़की को न व्यवस्थापक को, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है जी। तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ का जो है नियम जो है वो हमने आपको बताया। तो हम यही कहेंगे दर्शकों को कि अगर वो ये सोचते हैं कि जो लड़कियाँ थिएटर में डांस करती हैं उनको बस गलत नज़रिए से ना देखें, कुछ ऐसी होती हैं जो मजबूरी में भी करती हैं काम। आपने अभी देखा जिन लोगों ने हमसे बात किया वो पूरा परिवार है, उनकी ननद हैं, उनकी भांजी हैं, वो सब आके काम करती हैं और राजस्थान से आती है। तो हम अपने दर्शकों से यही कहेंगे कि अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस चीज़ को लेके गलत नज़रिया ना बनाएं, हमारा ज़रिया बने, मतलब उन लोगों का ज़रिया बने ताकि लोग अच्छे नज़र से भी देखें उन लोगों को, बस हम यही बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को। तो फ़िलहाल इस खबर में इतना ही, आप बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ, धन्यवाद।